Are you still love me? I love you. You still love me? I love you. कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आइए फिर से एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही फाड़ वीडियो। सो गाइज, आज प्रैंक करने वाली हूँ किसी बंदे पे, बंदी पे नहीं यार, बहुत हो गया यार, परेशान हो गई हूँ मैं, सच बता रही हूँ। तो आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ प्रीतीश पे। अगर आपको नहीं पता प्रीतीश कौन है, तो यहाँ पर वीडियो का आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो प्रीतीश वो है जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी इसी जगह पे, और अभी थोड़े टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो इमोशनल था बंदा, जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लव वाला बंदा था ना, जो वही वीडियो है, इसके देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज मैं उस पर प्रैंक करने वाली हूँ। उस वीडियो के बाद से हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए, बहुत ही अच्छे, हमारा मतलब बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग हो गया है। और आगे मैं इसके साथ बहुत सारी फ्यूचर में वीडियोज़ भी करने का प्लान कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया है, एक बार इसको फ़ोन करके बुला लेते हैं, कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा। बहुत इमोशनल बंदा यार, एक ना तगड़े वाला बॉन्ड हो गया इसके। हेलो हेलो प्रीतीश। हाँ जी रितु, कहाँ पहुँच गए? बस आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? वही पे जहाँ लास्ट टाइम मिले थे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मिले थे, जहाँ पे अच्छा जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे वीडियो भी बन गई थी हमारी, तुम्हें पागल बना दिया था जहाँ पे मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आओ, मॉर्निंग काम था क्या? हाँ हाँ, और क्या, तभी तो बुला रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो यार बंदा आने वाला है, आप वेट करो थोड़ी देर, तगड़ा प्रैंक करने वाली हूँ उस पर, तो देखते हैं क्या होता है वीडियो में, वेट करो। सो गाइस, अगर आप भी घर बैठ के इस हार्ड टाइम में आसान और इजी तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर साइट के बारे में। इस पर आप आसान गेम खेल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो किसी भी डिवाइस पर, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सो गाइस, इसमें एक गेम है जेपलिन, इसमें एक एयरशिप ऊपर की तरफ टेक ऑफ करती है और वहाँ पर हमें बैट लगानी होती है। एयरशिप जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही होती है, उतने चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं ज़्यादा पैसे अर्न करने के। तो आप इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, क्लिक करना कैश आउट पर और बस थोड़ा सा सब्र रखना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एयरशिप हमारी एक्सप्लोड हो जाएगी और आप अपनी बैट हार जाओगे। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी अब। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फॉरबेट को डाउनलोड कर लिया है, तो अब ये गेम ओपन हो रहा है जेपलिन। तो अब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगी 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे अब एयरशिप अपना टेक ऑफ स्टार्ट कर चुके हैं ऊपर की तरफ, यस यस यस, नाइस। सो गाइस, मैं 8540 रुपीज़ यहाँ पे अर्न कर चुकी हूँ। सो एक बार वो ट्राई करते हैं, चलो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, चलो फिर से एक बार मैं ट्राई करती हूँ। तो चलो ये स्टार्ट है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर ऊपर, यस, गो अप गो अप गो अप गो अप गो अप, यस। सो गाइस, अगेन मैं यहाँ पे 9300 रुपीज़ जीत चुकी हूँ। टुडे आई एम सो लकी यार। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अपनी लाइफ को मिरेकल होने का वेट ना करें, ये आपके लिए एक लकी चांस है अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने का। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओ, जल्दी से 100% तक आपको बोनस यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके हर फर्स्ट डिपॉजिट में। गेम्स खेलने से पहले आपके पैसे इससे डबल हो जाएंगे, तो देर किस बात की गाइस, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट करो फॉरएवर को और बहुत सारा अर्न करें। ओ हाय, कैसे हो? क्या चल रहा है? मैं बस, मतलब दोस्तों को क्या काम के लिए मिलने बुलाते हैं? हद है यार, ऐसा कुछ नहीं, काम के लिए, बस मैंने सोचा शायद कुछ काम हो, सो दैट्स व्हाई। वैसे यार यही मिले थे ना, तो जब से तुम गए हो ना, तो फिर तब से ना दिल नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। किसका? तुम्हारा? पता नहीं क्या ऐसा हुआ है, क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक्सप्लेन कैसे करूँ अपनी फीलिंग्स। जब से तुम गए हो ना, तब से ऐसा हो रहा है कि प्रीतीश को बुलाऊँ प्रीतीश को बुलाऊँ, और मतलब वो लास्ट वीडियो तुमने देखी? हाँ, मतलब लोग रो पड़े वो वीडियो देख के, सीरियसली बहुत ज्यादा, और कमेंट्स इतने प्यारे थे ना, मतलब दिल खुश हो गया था कि लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं। चलो अच्छी बात है, लोग प्यार, क्योंकि वो तुम्हारी रियल स्टोरी थी और मतलब तुम्हें पता नहीं था कैमरा लगा हुआ है, तो लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, 5 लाख+ क्रॉस हो चुकी है वो वीडियो, और तब से एक अटैचमेंट हो गया पता नहीं, और क्या, हाँ तुमसे ही, तुम्हें बुलाया, अगर तुम मेरे बगल में बैठे तो तुमसे ही हुआ होगा ना, किसी और बंदे से हुआ होगा? मुझे लगा आप तुम अटैचमेंट कह रही हो ना, मेरा किसी और से हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बताओ और बताओ, कैसे हो? बढ़िया, मैं ठीक हूँ यार। फैमिली इश्यूज कैसे चल रहा है, कुछ हद तक सही हुए? नहीं हुए, ठीक। करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, फैमिली छोड़ दी? करना ही नहीं है, खुद के दम पे यार करना है कुछ, बता सर। और तुम एक्टिंग भी अच्छी कर लोगे मुझे ऐसा लगता है यार, मैं थिएटर कर चुका हूँ। थिएटर कर चुके हो आप, ठीक है। तो यार मैं आगे ना वाइंस बनाने की सोच रही हूँ, तो मुझे वैसे भी ना एक अच्छा, एक स्मार्ट सा बंदा चाहिए जो एक्टिंग भी अच्छी कर ले। तो मेरे को पता नहीं, तुम्हें देखा ना तो ऐसा लगा, क्योंकि ना तुम्हारी जो चीज़ है ना वो रियल है चीज़ें, अच्छा। तो मुझे लगा तुम वाइंस में अच्छा चलोगे, वेब सीरीज़ वगैरह में हम लोग शूट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, लोगों को पसंद आएगी,
वरना तो आजकल तो लोग क्या बना रहे हैं, वल्गैरिटी फैलाई जा रहा है। डेफिनेटली यार, मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं लोग, कुछ रियलिस्टिक चीज़ दिखाएं। रियलिस्टिक चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ दिखाने के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है वो चीज़ें। तो मुझे चैनल से रिलेटेड भी तुमसे बात करनी है, वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन पहले थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। पर्सनल लाइफ पे पूछिए आप। मैं बता रही हूँ पूछने दी। यार जब से तुम गए हो ना सीरियसली, तब से मेरे को ना एक होता है ना कि तुम्हारे साथ भी वही चीज़ें हो रही है जो मेरे साथ हुई है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना मेरे जैसा, जैसे मैं कबीर सिंह बन गई थी ना, कोई दूसरा कबीर सिंह पैदा ना हो जाए। अच्छा। ओके। क्या तो तुम बन चुके हो मुझे पता, तो मैं उन चीज़ों से ना तुम्हें बाहर लेके आना चाहती हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ और मैं सीधा क्लियर बोलती हूँ जो है मेरे मन में। तो यार मेरे मन में यही है कि हम लोग ना आगे की सोच सकते हैं। आगे की? हाँ, लाइक अ फ्रेंड ना, हम लोग रहेंगे ना फ्रेंड्स आगे। लाइक अ फ्रेंड तो ठीक है, एज अ फ्रेंड हम लोग बात कर ही रहे हैं, मिल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मिले हैं, ठीक है, बट आगे की सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बेस्ट है एक दूसरे के लिए, परफेक्ट कपल बोलते हैं ना जैसे। कपल? ओह शिट। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? कपल की बात कर रहे हो? कपल कपल। अच्छा, तुम्हें मतलब रिलेशन से इतना डर लगने लग गया कि तुम रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते? मैं नहीं आना चाहता। बट यार मेरी फीलिंग्स थी, मैंने तुमसे बता दी। पता है बहुत हर्ट हो रहा है मुझे अगर तुम जैसे मना कर रहे हो ना। नहीं देखो, मैं ना तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे सीरियसली जब से मैंने चैनल बनाया, मुझे शूट्स पे कितने सारे लड़के मिले हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है। लेकिन तुम एक पहले ऐसे इंसान हो ना जिससे मतलब होता है ना कि तुम्हें देख के दूसरे वाली फील आती है कि हाँ कुछ हो सकता है, चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो चाहे कोई हो, कभी किसी के लिए नहीं, चाहे मैं पूरा दिन किसी के साथ रहूं, खाऊं, पीऊं, बातें शेयर करूं, कुछ भी, लेकिन वो वाली फीलिंग होती है ना जो एक रिलेशनशिप वाली, बंदे वाली, कि प्यारा सा यार बंदा, वो वाली किसी के साथ नहीं है। और तुम फर्स्ट वन बंदे हो और ये सच है। यार मैं इसके बाद क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं बस इतना चाह रही हूं तुम एक्सेप्ट कर लो और हम लोग आगे काम भी कर सकते हैं। देखो मैंने नया चैनल भी क्रिएट कर लिया है, रिट्स धवन व्लॉग्स, तो हम व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, हम लोग वाइंस तो वाइंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी वीडियोस में आओ, काम करो, उसमें बॉन्ड भी अच्छा रहेगा, लोग भी पसंद करेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है यार? दिक्कत पता है क्या है कि अभी मैं ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को चोट लग जाती है, वो इंसान उस चीज़ से उभरता है। मैं अभी, मेरे ना वो चोट भरा नहीं है, मेरी अभी चोट पूरी तरह से। तो तुम्हारी उस चोट पे मरहम लगाने के लिए तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में चाह रही हूँ, तुम यही तो नहीं समझ रहे हो। मैं उसके लिए यार, मैं रेड्स अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं कमिटमेंट से बहुत दूर भाग रहा हूँ। बट देखो यार, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम अपने लिए मत सोचो, मेरे लिए सोच के देखो एक पल। अगर हम लोग साथ में इतने अच्छे लग रहे हैं और मतलब कमेंट्स भी इतने प्यारे आ रहे हैं, तो यार क्रश हो गया मेरा तुम पे। ओह सीरियसली? हाँ, हंसो मत, मुझे ऐसे लगेगा तो मेरी फीलिंग्स का मजाक। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स का, ठीक है। बट तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं हूँ ना यार उन चीज़ों से बाहर लाने के लिए। यार वो हर चीज़ वापस ना फेस नहीं कर सकता, पता है? तो फेस कहाँ करनी है जब हम लोग साथ में हैं, हम लोग काम साथ में कर रहे हैं, सात दिन साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ साथ में होगी, तो क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? बल्कि तुम उन चीज़ों से निकल जाओगे जिसमें तुम फंसे हुए हो आज भी। चैनल बनाओगे, मेरे साथ करोगे, अर्निंग होगी, स्टेबल हो जाओगे यार अपनी लाइफ में। चाहिए क्या और एक इंसान को? मैं ज़्यादा पैसे की तुम इससे कमिटमेंट नहीं कर सकती कि तुम इतना कमा लोगे कि तुम बहुत ही खुश रहोगे, जैगवार, बीएमडब्ल्यू ये सब ले लोगे, नहीं, नॉट एट ऑल। बट इतना कर सकते हो कि तुम्हें अपने घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं वैसे भी नहीं मांगता, मैं स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट। गुड यार, आई लाइक इट। तो प्रॉब्लम कहाँ है? और हम लोग दिखते भी इतने अच्छे, तुमने कमेंट्स नहीं पढ़े क्या? मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे, मुझे बड़े अच्छे लगा, बड़ा अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ पब्लिक प्यार दे रही है इन सब चीज़ों को लेके। बट वो तो मेरे लिए एकदम वैसा था कि हाँ रियलिस्टिक वाली चीज़ हुई थी, और एकदम से तुमने बताया कि प्रैंक कर रहे हो ऑनलाइन, उस टाइम मुझे थोड़ा लगा मैंने। तो यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें साथ में होना चाहिए? यार मैंने पता है सच में रेड्स इसके बारे में ना सोचा नहीं। मुझे ऑन द स्पॉट जवाब चाहिए, अभी चाहिए जवाब, क्या हम लोग साथ हो सकते हैं? क्योंकि मुझे कोई ऐसी सॉरी लगा तो नहीं, तुम तो इतना नाजुक हो, लगना गया हो नहीं, नहीं, नाजुक नहीं। तो यार कोई और ऐसा बंदा भी नहीं मिला ना मुझे अभी तक जिसके साथ मुझे वो वाली वाइब्स आए, कहते हैं ना प्यार वाली, यार एक प्यार होता है। तुम्हें मेरे साथ प्यार वाली वाइब्स आ रही है? हाँ, फर्स्ट मीटिंग से ही। और जब से तुम गए हो ना, सच्ची बता रही हूँ, चार दिन तो मैं सोई नहीं हूँ सही से, मतलब सोच रही थी तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में इतना डीप चली गई कि मैंने बोला यार नहीं यार, इस बंदे को इस चीज़ों से निकालना है और कुछ फ्यूचर प्लान करना है इसके साथ। अच्छा, तुम सिर्फ मुझे इन सब चीज़ों से निकालने के लिए रिलेशन में आना चाहती हो? और यू स्टिल लव मी? हाँ, आई लव यू। यू स्टिल लव? आई लव यू। अच्छा सीरियसली? हाँ। कोई प्रॉब्लम,
कोई दिक्कत कोई समस्या किसी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ या मैं छुपा नहीं सकती अपनी फीलिंग्स। तुम अच्छी हो यार, काफ़ी फेमस हो, अच्छी हो, अच्छा नाम है तुम्हारा जो भी है, बट मतलब मेन चीज़ क्या है कि मैं ना कमिटमेंट से ना अभी बहुत दूर भाग रहा हूँ। तो मैं चाहती हूं ना फेम हमें सामने से बोला है सामने से आके, तो मैं तुम्हारे तुमको मना नहीं करूँगा क्योंकि यार ठीक है काफ़ी कुछ देख लिया लाइफ में, मे भी शायद हम लोग का बहुत आगे अच्छा रहा है कुछ, सो आई डोंट माइंड, मतलब अभी ठीक है। तो तुम आ सकते हो रिलेशन में? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं अभी से। इफ यू वांट देन चलो फिर रूम पे। रूम पे अभी क्यों? मजाक करे तो पता ना, प्रैंकस्टर हूं तो मजाक करने की बहुत ही बुरी आदत है मेरी, तो मजाक कर रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो फिर बाद में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे पसंद हो तुम बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं जो वाइन स्टार्ट कर रही हूँ तो वाइन्स में हम लोग मिलके काम करें, साथ में आगे जाए, केमिस्ट्री हमारी काफ़ी फाड़ हो, बहुत अच्छी हो, तो यही चाह रही हूँ मैं। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रपोज कर सकते हो तुम मुझे यहाँ पे। अब तुम एक्सेप्ट कर ही लिया तो कर दो ना नीज पे, नहीं जीन दिला दूंगी तुम्हें, चलो नहीं जीन आओ ना, एक लड़की को स्पेशल वाली फीलिंग्स तो दो कि हाँ लगे कि हाँ तुम सच में, तुम्हारे मन में फीलिंग्स है ना, ऐसे तो नहीं कर रहे ना कि मैं चाह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब स्टार्टिंग में मिला था मुझे भी लगा था कि हाँ हम लोग जब लास्ट टाइम मिले, बट मैंने बोला नहीं खुल के कि ठीक है यार कि तुमने मुझे एक फ्रेंड की तरह हाथ दिया था, हक किया था, तो मैंने उसको एक फ्रेंड के उस पर रखा था। फ्रेंड 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 तो पहले हक ही कर लेते हैं दूसरे वाले। बैठो ना, एक बात बतानी थी यार। पता क्या है, जब से तुम्हारे साथ वीडियो की थी ना तब से ना बहुत डिमांड आ रही थी, लड़का काफी अच्छा है, लड़का ये है, लड़का वो है, बड़ा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसका साथ कभी मत छोड़ना। साथ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर एक चीज बताना भूल गई यार तुम्हें। यार पता है अच्छे लगते हो तुम मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यार मैंने ना एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था सामने। कहाँ पे लगा हुआ है? वहाँ पे। ओ फिर से अगेन यार, फिर ऐसा प्लान किया नहीं यार। और तुम मान गए तो शर्म नहीं आती? सॉरी, मजाक कर रही थी यार। अब देखो एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है एकदम यार, अच्छे लग रहे हो ऐसी बात नहीं है। कैमरे के आगे ये लड़का मेरे को ना काफी पसंद है, कमेंट्स में बता देना ये कैसा लग रहा है मेरे साथ, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बता देना और बुरा लग रहा है तो भी बता देना। बाकी एक छोटा सा मजाक करी थी यार, बुरा लगा क्या? बुरा तो यार ऑब्वियसली। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि जो केमिस्ट्री, ये जो बंदा बंदी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, छोड़ देगा एक वक्त के बाद यार, एक वक्त के बाद बिल्कुल साथ छोड़ देगा, अकेला फील करोगे, कोई नहीं होगा, लेकिन ये जो दोस्ती है ना ये लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम, जब तक तुम जी रहे हो ना तब तक। तो एक छोटा सा मैसेज भी दे दिया इससे कि दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ है नहीं, तो इन सब नोना शोना बाबू से दूर आओ और निकलो इन सब चीज़ों से, तुम्हें भी बता रही हूँ मैं, निकलो ग्रो अप करो और मैं तो अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं शूट पे, और क्या चाहिए। मैं तो निकल गया हूं। तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाए? कर दो यार, आप और क्या कर सकते हो, तुमने शूट कर ही लिया। चलो फिर चलो फिर कुछ चल रहे हो खाने पीने? हाँ चलते हैं बाहर यार, लेकिन बट अच्छा नहीं लगा मुझे, सीरियसली आई एम सो सॉरी यार। अब आओ ना एक हक कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आओ। और गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आप देख ही सकते हो साइड में ये स्क्रीनशॉट लगाए हुए 17,300 रुपए जो मैंने विड्रॉल किया है, इन्हें मैंने अर्न किया फॉर अ बेट पे गेम्स खेलकर। आप लोग भी घर बैठ के बहुत सारा अर्न कर सकते हो। सो गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करें लिंक पर और यूज करें बोनस को अपने डिपॉजिट किए हुए मनी को डबल करने के लिए। तो देर किस बात की, आप भी घर बैठ के बहुत सारा पैसा कमाओ फॉर अ बेट पे।